आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। चान्हो प्रखंड मुख्यालय में विधायक ने की समीक्षा बैठक। प्रखंड मुख्यालय के बैठक में मांडर विधायक बंधु तिर्की के दिखे कड़े तेवर। सभी विभागों की बुलाई गई बैठक में विधायक ने सीओ और बीडीओ को जमकर लताड़ा और कहा कि सुधर जाओ, अब पुरानी सरकार नहीं है, काम करना होगा, जनता की सेवा में समय दीजिए। शिकायतों की भरमार है आप लोगों के खिलाफ, नहीं सुधरेंगे तो नपेंगे अधिकारी, ये कहना था विधायक का। देखिए, प्रखंड में प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ, जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी के साथ साथ जो लाइन डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट है, उन तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करके हमने एक जिम्मेवारी तय कर दी गई उनका, और जिम्मेदारी भी दी गई है कि थोड़ा काज शैली में बदलाव लाए, जनता परेशान ना हो, हर जनता के साथ जो जनता आता है उसकी समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करने की दिशा में पहल करें। चाहे वो आपका खाद आपूर्ति विभाग का मामला हो, चाहे आपका इंदिरा प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, या कोई भी मामला जो आता है उसको पदाधिकारी संज्ञान में ले और जल्द से जल्द उसको निपटारा करे, इसके लिए पूरा सख्त हिदायत इनको दिया गया है। सर, पेंशन का मामला बहुत दिनों से लंबित नहीं, ये सारे मामलों के बारे में कुछ हमने टास्क दिया है कि हाँ, इस प्रखंड में कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, उनकी संख्या कितनी है और कितना का डिमांड है, टारगेट के अनुरूप में क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में रिपोर्ट हमने मांगा है। इस प्रखंड की विशेषता रही है, बिचौलिया गिरी यहाँ पे हमेशा हावी रहा है, इसको भेदने के लिए क्या रणनीति है सर? नहीं, हमने पदाधिकारियों को सारे लोगों को इस बार हिदायत दिया है कि इन सब चीज़ों से बचें और वैसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, ताकि हमारे जो ग्रामीण जनता है, जो जनता है, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, और विशेषकर इसके लिए पदाधिकारियों को ही इससे बचना चाहिए। कर चुके हैं, किस तरह से वो प्रखंड को या क्षेत्र को आगे बढ़ा? अभी देखा जा रहा है, पूरे तमाम चीज़ों को हम समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं, और अगला जब बैठक हम लोग करेंगे तो इस बैठक में एक नए तरीके से काम करने का रोड मैप इनको दे दिया जाएगा कि नए तरीके से लोग, चूँकि नया उत्साह के साथ, क्योंकि हमारा जो पूर्व का जो अनुभव है वो तमाम अनुभव को हम उस पर लगाते हुए हमको लगता है कि थोड़ा हम लोग बेहतरीन और अच्छा इस बार हम लोग काम कर पाएंगे। दादा, आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं कांग्रेस में? तो बिल्कुल तय है उसमें, किंतु परंतु कहा है।